महाराष्ट्र की रहने वाली संगीता ने वो काम कर दिखाया कि उसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। इस महिला ने गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने मंगलसूत्र को बेच दिया। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने गांव में टॉयलेट की समस्या को उठाया था और इस समस्या से निपटने की बात कही थी। महाराष्ट्र की रहने वाली संगीता ने मोदी के मिशन में पहल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के साथ बैठी ये है महाराष्ट्र की वाशिम जिले के साईखेड़ा गांव की रहने वाली संगीता। बेहद सादा, एक गरीब परिवार की महिला, लेकिन संगीता ने जो काम किया उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। संगीता ने अपने गांव को आदर्श बनाने और बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए। गांव में टॉयलेट बनवाने के लिए संगीता ने अपने मंगलसूत्र तक को बेच दिया और देश की दूसरी महिलाओं के लिए संगीता एक आदर्श महिला बन गई। संगीता का ये कदम इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि महिलाएं समाज में ऐसी चीजों के बदले सिंगार और गहनों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने संगीता के इस फैसले का सम्मान किया। पंकजा मुंडे ने कार्यालय में संगीता को नया मंगलसूत्र भेंट किया, उन्हें नया मंगलसूत्र पहनाया। संगीता का कहना है कि जेवरात के मुकाबले टॉयलेट बुनियादी जरूरत है। पैसे नहीं थे, परिस्थिति नहीं थी, इसीलिए मैंने जो अपना दागिना था, जो सब दागिने थे और मंगलसूत्र था, सब बेच दिया और शौचालय बनाने का। 15 अगस्त को लाल किले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गांव में शौचालयों के ना होने से महिलाओं की पीड़ा और उनकी परेशानी का जिक्र किया था। हर गांव में शौचालय होने की बात कही थी। इस दिशा में संगीता की पहल का स्वागत किया गया और शौचालयों के निर्माण के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाने की उनकी भावना का सम्मान हुआ। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐशणाएं जगाती हैं और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पछता रहे हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लाखों महिलाओं की इसी पीड़ा का जिक्र किया था। आजादी के 67 साल बाद भी महिलाएं आज भी इस परेशानी से दो चार हो रही हैं। उन्हें आज भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन लाखों महिलाओं में से एक संगीता भी हैं। संगीता पिछले 12 साल से इस गांव में है। संगीता के मायके में शौचालय था लेकिन जब वो ससुराल पहुंची तो यहां पर टॉयलेट नहीं था। 12 साल तक संगीता परेशानियों में रही लेकिन अब उन्होंने खुद इस परेशानी का हल निकाला। संगीता चाहती हैं कि जो परेशानी वो 12 साल से झेलती आ रही हैं, उनकी बच्ची और गांव की दूसरी बच्चियां ना झेलें। मेरी शादी को 12 साल हो गए
और मेरे मायके में शौचालय था। अब मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में शौचालय नहीं था, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। बाहर जाना पड़ता था, रोड क्रॉस करना पड़ता था और लोग आते जाते थे, उड बस करना पड़ता था, इसलिए मैंने निर्णय लिया। और जो मैंने 12 साल ये झेला, जब मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को 11 साल की है, उसे ये तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैंने निर्णय लिया। इस पहल के लिए संगीता को पति का भी पूरा साथ मिला। मंगलसूत्र बेचने से पहले संगीता ने पति से पूछा, पति ने कहा नेक काम में देरी किस बात की, क्योंकि संगीता के पति देश के नेताओं के वादों से तंग आ चुके हैं। हर साल वादा किया जाता है कि अगले साल ये परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन ये वादा वादा ही रह जाता है। समस्या थी, हर साल शौचालय बनाने का एक अगले साल बनाएंगे, ऐसे अगले साल बनाएंगे, ऐसा मैं उनको 10 साल से घुमा रहा था, इसलिए उसने इस साल निर्णय लिया और सब मंगलसूत्र बेचकर उनका शौचालय कंप्लीट किया। संगीता आज दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श महिला बन चुकी हैं। संगीता चाहती हैं कि उनका गांव आदर्श बने और महिलाओं को बुनियादी जरूरत के लिए परेशान ना होना पड़े। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे और मंगलसूत्र बेचकर शौचालय बनाने वाली संगीता से बात की इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने। हमारे साथ में पंकजा मुंडे हैं, ग्राम विकास मंत्री हैं। इन्होंने संगीता का मंगलसूत्र वापस कराया जिसे संगीता ने मात्र शौचालय बनाने के लिए बेच दिया था। पंकजा जी, आपको कब ये जानकारी मिली और जब ये जानकारी मिली तो बहुत आहत हुई होंगी आप भी? देखिए, जब मैंने ये न्यूज़ देखी मीडिया में, उसी दिन मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे संगीता से मिलना है। और जो मैं सोच रही थी इतने सालों तक एक विधायक के तौर पर, कि जो महिलाओं का ग्रामीण विभाग में या शहरों में भी जो ऐसे एरियाज़ हैं, बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, वहाँ जो उनकी हालत होती होगी, वो सोचती रहती थी मैं। और जब संगीता ने ये स्टेप उठाया तो एक वो ब्रांड बन गई है, या वो एक ऐसा माइलस्टोन बन गई है जहाँ से महिलाओं ने नई शुरुआत करनी चाहिए। तो उनकी वो भावना के लिए मैंने उनका स्वागत करने के लिए उनको बुलाया। हमारे प्रधानमंत्री का भी कुछ इसी तरह का सपना था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। हमारी जो घर की बहू बेटियां होती हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आप अभी खुद ग्राम विकास मंत्री है, किस तरह से महाराष्ट्र में इस पूरे मैसेज को आगे लेकर जाएंगी, कैसे काम करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो हमें स्वच्छता अभियान दिया है, वो अभियान बहुत दूर की सोच कर उन्होंने दिया है, जबकि ये पहले ही होना चाहिए था। पर जो मोदी जी के दिमाग में सूझा है वो किसी ने आज तक किया नहीं। उन्होंने अमेरिका में जाके उस मंच पर कहा कि मुझे अपने देश में टॉयलेट्स बनाने हैं। तो जो प्रधानमंत्री इतने नीचे के लोगों की सोचते हैं, वो हमें आज मिले हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। उन्होंने स्वच्छता अभियान हाथ में लिया है और वो चाहते हैं कि शौचालय हर गाँव में बने, हर गांव में वो सुविधा हो और इससे आरोग्य अपने देश का अच्छा हो, या अगला स्वच्छता ये अपने संस्कार का भाग हो। तो ये आज हमने कार्यक्रम आगे लेके जा रहे हैं। पर संगीता एक उसमें हमारा एक इंस्पिरेशन ज़रूर बनेगी महिलाओं के लिए। बिल्कुल, संगीता इंस्पिरेशन है महिलाओं के लिए, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो इस तरह की हालत का शिकार है। संगीता भी हमारे साथ है। संगीता, ये बताइए क्या प्रॉब्लम्स थी आपके सामने जो आपको अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा? हिंदी नहीं समझ। आप अभी बता रही थी कि क्या समस्या थी आपके सामने? मेरे मायके में शौचालय था और शादी के बाद ससुराल में शौचालय नहीं था, और मैं बाहर जाने के लिए जो कुचंबना होती थी, रोड क्रॉस करना पड़ता था, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी, समय भी जाता था, घर में पैसों की भी कमी रही होगी। पैसे नहीं थे, परिस्थिति नहीं थी, इसीलिए मैंने जो अपना दागिना था, जो सब दागिने थे और मंगलसूत्र था, सब बेच दिया और शौचालय बनाने का। एक आखिरी सवाल, मंगलसूत्र एक शादीशुदा महिला के लिए बहुत मायने रखता है, आपने जब इतना बड़ा कदम उठाया तो आपको तकलीफ बहुत हुई होगी? तकलीफ हुई थी, पर मैंने सोने से भी ज़्यादा शौचालय को महत्व दिया, जो बाहर जाना नहीं पड़ता था। आपके घर में आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी इस समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। बिल्कुल, खुद संगीता ये बात कह रही हैं कि शौचालय से ज़्यादा उन्होंने जिस तरह से अपने पूरे समस्या को आगे रखकर उन्होंने शौचालय को महत्व दिया है,
समस्याओं को निजात पाने के लिए वो एक बेहतरीन कदम था और उसको अभी वो सही मान रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने इस पूरी समस्या को देखने के बाद में एक सम्मान दिया है संगीता को, वो वाकई काबिले तारीफ है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।